Hey everyone, welcome to Study Skills Access. तो गाइज प्रेजेंट टाइम में नीट जेई पोस्टपोन का जो मुद्दा है वो ट्रेंडिंग में आ चुका है और इसको लेकर बड़े बूढ़े इंस्टीट्यूट्स बड़े बड़े न्यूज़ चैनल भी बोल रहे हैं कि नीट और जेई जो है वो प्रेजेंट टाइम में पोस्टपोन होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट COVID-19 के केसेस इतने ज़्यादा है कि इतने ज़्यादा संख्या के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम नहीं करवाया जा सकता। दूसरा, स्टूडेंट्स का स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ चुका है इस बात को लेकर कि पोस्टपोन होगा या फिर नहीं होगा। इसी बीच जो एम्स के डायरेक्टर हैं उन्होंने डायरेक्टली बोला है अपने इंटरव्यू में नीट जेई पोस्टपोन को लेकर। और इसी के साथ साथ जो द ललन टॉप है जो कि एक अच्छा यूट्यूब चैनल भी है और एक अच्छा न्यूज़ चैनल भी है, उन्होंने भी बोला है इसको लेकर नीट और जेई पोस्टपोन को लेकर। वो दोनों वीडियोस क्लिप जो है वो मैं लास्ट में वीडियो के डाल रहा हूँ, तो वो वीडियोस क्लिप आप जरूर देख लीजिएगा। उसके साथ साथ जो एम्स के डायरेक्टर का वो जो पहले वाला वीडियो क्लिप था उसके अलावा मेरे पास एक वीडियो क्लिप है वो मैंने डाला है, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। उसी के बाद हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, उनकी एक तस्वीर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। वो जो पिक्चर है वो कुछ इस प्रकार है जिसमें डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो है वो अन्य मिनिस्टर्स की तुलना में अपने फेस पर मास्क नहीं लगाए हुए हैं। तो यार जब एक बंदा इतने ज़्यादा पब्लिक में मास्क लगा के नहीं बैठ सकता तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स दिन में 6 से 7 घंटे तक मास्क लगा के रखें। 6 से 7 घंटे कौन से बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए थे कि 2 घंटे ट्रैवल के हो गए, उसके बाद 2 घंटे आके रेस्ट करना, 3 घंटे का एग्ज़ाम, उसके बाद भी एग्ज़ाम के बाद घंटा डेढ़ घंटा, तो लगभग 5 से 6 घंटे का हो जाएगा पूरा टेनर। और इसी बीच पूरे 5 से 6 घंटे मास्क लगा के रखना इज़ ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब डिफ़िकल्ट प्रोसेस है पूरा, और ये पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, सो यार अभी आपने को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, उसके अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। बहुत से मेरे फ्रेंड्स के मुझे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि पोस्टपोन होगा नहीं होगा, तो यार कंफर्म नहीं बोला जा सकता, पोस्टपोन 50-50 चांसेस है पोस्टपोन के, और आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा क्योंकि कल यानी कि 17 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर जो डिसीजन है वो ले लिया जाएगा। बाकी मैं वीडियोस क्लिप ऐड कर रहा हूँ वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए, और उसके पास जो भी आपका रिस्पॉन्स रहता है, आपके ओपिनियंस रहते हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच। की चीज थी लेकिन एक सीरियस चीज भी ट्रेंड होती नजर आई, नीट और जेईई की परीक्षा आगे बढ़ाने की मांग। लोगों ने ट्वीट किया और बहुत सारे ट्वीट किए, लगभग 5 लाख लोगों ने ट्वीट किया और बताया कि कैसे सेंटर्स तक जाना सेफ नहीं है, आप एसओपी बना रहे हो वहां के लिए लेकिन रास्ते के लिए क्या एसओपी होगी। और भी कई इन्होंने बताया कि बीएड की परीक्षाएं हुई थी तो हमने सेंटर्स में देखा था कि कैसी भीड़ आ गई थी। इसके चलते इन्होंने भरपूर हैशटैग पे ट्वीट किए और सरकार से मांग की, मिनिस्ट्रीज से मांग की कि इन परीक्षाओं को आगे बढ़ाया जाए। और मुझे नहीं समझ में आता कि सरकारों का रवैया इतना ठस क्यों होता है। आप मतलब सामने वाले की बात सुन लो, एक प्रोसेस बना लो, वो क्या कहना चाहते हैं उनकी बात एक बार समझ लो, मैनेज कर लो, प्रबंधन कर लो, क्यों इतना परेशान करते हो, वो हैशटैग चलाएं या फिर पढ़ाई करें। सब बच्चे चाहते हैं पोस्टपोन हो या बच्चे नहीं चाहते हैं पोस्टपोन को? सर अगेन सर सारे बच्चे भाई रेशियो इज देयर 70-30 रेशियो 60-40 रेशियो, बट मेजोरिटी वांट्स की पोस्टपोन हो। हाँ तो इसमें कोई मैं हिंदी में बोलूं अंग्रेजी में? सर यूज इंग्लिश सर, वी हैव ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स विद अस। आई सी नो बार इफ इट इज पोस्टपोन्ड एंड इफ इट सिचुएशन प्रिवेल्स सच एंड इज कंजीनियल बाय से फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर then it can be held also. So what I see, even if say suppose it is postponed to October, November, there is nothing is going to happen, heavens will not fall. I can give you my example. See, when in my time in 1970 I was selected for